एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए पनीर की भुर्जी लेके आई हूँ, जिसको बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है, उसको गरम कर रहे हैं। अब गरम होने के बाद इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, गरम होने देते हैं। हमारा तेल गरम हो गया, इसमें हम जीरा डाल देंगे 1 चम्मच, इसको पकने देते हैं। हमारा जीरा पक गया, इसमें 2 मीडियम कटे हुए प्याज डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, डाल दिया। अब इसको अच्छे से पकाएंगे, इसको पकने देते हैं। हमारे प्याज पक गए, अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 लाल मिर्च पाउडर को मिक्स करेंगे। मसाला पक गया, इसमें अब हम 2 चम्मच दही डाल देंगे और धीरे धीरे हिलाएंगे। ठीक है, 5 मिनट तक हम इसको ऐसे धीरे धीरे हिलाते जाएंगे। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको ऐसे थोड़ा पकने देते हैं। देखिए मसाला अच्छे से पक गया, अब इसमें हमारा ये पूरा मैश किया हुआ पनीर डाल देंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके बस 2-3 मिनट ही हिलाएंगे, नहीं तो फिर इसको ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो ये ऐसे रबड़ जैसे टाइट सा लगता है। इसको 2-3 मिनट ही पकाएंगे। हमारे पनीर की सब्जी भुर्जी तैयार है, गैस बंद कर देंगे, इसको सर्व करेंगे। हमारे पनीर की सब्जी तैयार है, देखिए अच्छी लग रही है देखने में भी, मतलब सॉरी भुर्जी। आप बनाइए और खाइए और मुझे बताइए कि कैसी बनी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए, और आगे की नेक्स्ट रेसिपी के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।